दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, प्लीज़ डोंट मिस यूज़ इट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल का डाटा कंप्यूटर पे और कंप्यूटर का डाटा जो है मोबाइल पे कैसे सेंड कर सकते हो बगैर वो भी तार के। तो हम बगैर वायर के ये यूज़ करने वाले हैं। मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही फास्टली जो है ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है बगैर तार के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हो दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आपके मोबाइल में एक ऐप आपने डाउनलोड करनी है जो कि आपको मेरी सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट से मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ऐप है वाईफाई एफटीपी सर्वर। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। तो आपने सिंपली जो है स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आपका जो है फोन और जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है सेम वाईफाई से कनेक्ट हो, जो मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टार्ट पे क्लिक कर दिया था ऐप के। तो यहाँ पे मेरे पास एक URL आ रहा है। आपने क्या करना है, ये वाला सेम टू सेम URL जो है अपने PC में टाइप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप कहाँ पे करना है, आप लोगों ने ओपन कर लेना है अपना this PC। this PC मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। आपने this PC के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे एड्रेस बार होता है, वहां पे आप लोगों ने सेम टू सेम यही URL जो है टाइप करना है। मैं क्या करता हूँ FTTP। तो यहाँ पे मेरे देख यहाँ पे टैब और मोबाइल का दोनों का शो हो रहा है। तो मेरा ये मोबाइल है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास जो है पूरा का पूरा SD कार्ड ओपन हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई एक फोटो कॉपी करके देख लेते हैं कि क्या ये काम करता है। यहाँ पे मेरे पास एक फोटो है, मैं इस फोटो को क्या करता हूँ सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपने फ़ोन के अंदर रख दिया और ये मेरी फ़ोटो जो है कॉपी होगी। अब हम अपने फ़ोन में जाते हैं और इसको बैक करके हम अपनी गैलरी में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वो वाली फ़ोटो अपने फ़ोन में आ गई। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आपका सारा काम हो जाए, काम होने के बाद आपने जो है इसको बंद कर देना है, वरना कोई भी बंदा आपका ये एड्रेस टाइप करके अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आपका कंप्लीट SD कार्ड की एक्सेस ले सकता है। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये डिसेबल हो गया। अब वो URL आप टाइप करते रहोगे या यूज़ करोगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।